हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग फिर से चालू करते हैं मैनफील्ड पार्क, जो कि हम लोग का पार्ट टू रहने वाला है वीडियो का। अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो तो जाके देख लीजिएगा, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। अभी तक के हम लोग ने देखा कि जो मारिया रहती है वो एक स्टूपिड आदमी के साथ अफेयर में आ जाती है, जिसका नाम रहता है रश्वत, और सर थॉमस को भी वो रिश्ता मंजूर हो जाता है। और जब वो रिश्ता मंजूर हो जाता है तभी सर थॉमस एक शर्त रखते हैं रश्वत और मारिया से कि जब तक मैं वेस्ट इंडीज़ जा रहा हूँ तब तक के वो दोनों शादी ना करें। यहाँ तक कि हम लोग की पार्ट फर्स्ट में स्टोरी, अब उसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं इस नॉवल को। यहाँ पर अब गर्मियों की छुट्टी चालू हो चुकी है, अभी यहाँ पर डॉक्टर ग्रांट और मिसेस ग्रांट का रोल चालू होता है। मिसेस ग्रांट और डॉक्टर ग्रांट के दो सौतेले भाई बहन हैं। पहले का नाम है हेनरी, उसकी दूसरी बहन का नाम है मैरी। अब यहाँ पर हेनरी और जो मैरी रहते हैं वो देखने में बहुत ही खूबसूरत और चार्मिंग रहते हैं। ये लोग आते ही सहित इन लोग के दोस्त बन जाते हैं। और यहाँ पर जो टॉम रहता है वो बिज़नेस के सिलसिले में अपने फादर के साथ, मतलब सर थॉमस के साथ बाहर गया होता है, तो वो वहाँ से वापस आ जाता है। इनके जो फादर हैं सर थॉमस, वो बाद में आएंगे। अब यहाँ पर हेनरी आता है। हेनरी मारिया और जूलिया के साथ फ्लर्ट करने लगता है। यहाँ पर हेनरी ये तक जानता है कि मारिया की इंगेजमेंट हो चुकी है, तब भी वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तभी ये सब प्लान बनाते हैं हेनरी, मैरी, टॉम, एडमर्ड, मारिया, जूलिया और फैनी के साथ। ये सब प्लान बनाते हैं कि हम लोग रश्वत के साथ ट्रिप पे जाएंगे। तभी ये जो 6-7 जने हैं ये सब ट्रिप पे गए, तभी हेनरी ने मैरी के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसने जूलिया को तो छोड़ दिया था, उसकी छोटी बहन, बट मैरी के साथ फ्लर्ट करना नहीं छोड़ा था। और उसी जगह एडमर्ड था, वो मैरी को लाइक करने लगा था। और जब एडमर्ड मैरी को लाइक करने लगा था, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, तभी फैनी को बहुत जलन हो रही थी, क्योंकि फैनी जो थी वो मैंसफील्ड पार्क में बचपन से रह रही थी। और जब से फैनी मैंसफील्ड पार्क में रह रही थी बचपन से, तभी उसका सच्चा दोस्त एडमर्ड ही था, तभी से उसने उसको लाइक करना स्टार्ट कर दिया था। वो अपने दोस्त की तरह नहीं मानती थी, उससे बढ़ के वो उसे मानती थी। अब आगे ये सब एक प्लान करते हैं कि हम लोग एक प्ले खेलेंगे, बट फैनी और एडमर्ड मना कर देते हैं कि हम लोग को नहीं खेलना और आप लोग भी प्ले ना खेलो। फिर जब एडमर्ड था वो नहीं खेल रहा था, तो सब ने फोर्स किया कि यार एडमर्ड आना यार खेलते हैं, तो एडमर्ड चला गया प्ले में, पर फैनी अकेले बाहर रह गई थी। और जो एडमर्ड और मैरी रहते हैं वो लोग प्ले की प्रैक्टिस में लग जाते हैं और लव सीन्स करते हैं, तभी फैनी को देख के बहुत ही उसको जलन हो जाती है। और जब सभी लोग प्ले की प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी इनका मज़ा तब किरकिरा होता है जब सर थॉमस घर आ जाते हैं। जब बिजनेस के सिलसिले में वो गए थे बाहर, तब वहाँ से वो लौटते हैं, जब वो ये सब देखते हैं कि घर में ये सब हो रहा है ड्रामा, तो वो बहुत गुस्सा आ जाते हैं। मैंने आपको शुरुआती में बताया था कि जो हेनरी रहता है वो मारिया से फ्लर्ट कर रहा होता है। जब फ्लर्ट करता है तभी मारिया जो रहती है वो सच्ची में हेनरी से प्यार करने लग जाती है। उसकी इंगेजमेंट होने के बावजूद भी वो हेनरी को लाइक करने लग जाती है। और यहाँ पर मारिया को शादी करने का इरादा था हेनरी से, पर पता नहीं क्यों उसने छोड़ दिया और वो उस इडियट रश्वत के साथ उसने शादी कर ली। फिर आगे ये होता है कि जो सर थॉमस होते हैं वो मारिया और जूलिया को रश्वत के साथ भेज देते हैं लंदन। अब यहाँ पर दोनों बहनें मारिया और जूलिया चली गई हैं लंदन रश्वत के साथ। अब यहाँ पर जो हेनरी है वो अकेला पड़ गया, तो वो ये सोचता है कि अब वो किसके साथ फ्लर्ट करेगा। तो रहती है घर पे बेचारी अकेले फैनी, तो वो सोचता है कि मैं फैनी के साथ फ्लर्ट करूँगा।
तो अब उसकी जो बहन है मैरी, तो वो ये सोचती है कि मुझे भी दोस्ती करनी है फैनी के साथ। फैनी बेचारी चुपचाप रहती थी और अकेले रहती थी, इसलिए उसने सोचा कि मैं इसके साथ दोस्ती करना चाहूँगी। अब यहाँ पर जो फैनी है वो ना ही हेनरी और ना ही मैरी के साथ दोस्ती करना चाहती थी, वो अभी भी एडमर्ड से ही दोस्ती रखना चाहती थी। जो फैनी थी वो अभी भी एडमर्ड और मैरी के प्यार के बीच में पड़ी हुई थी। उसको जलन तो होती थी पर वो कुछ बोलती नहीं थी। एडमर्ड शुरुआती में बताया था कि मैरी को लाइक करने लगा था, तो वो एडमर्ड सोचता था कि मैरी जो है वो एडमर्ड से ही शादी करेगी। और जो मैरी थी वो सिर्फ एडमर्ड का यूज़ कर रही थी। वो जानती थी कि एडमर्ड एक मामूली सा क्लर्जी मैन है। मैरी ये सोचती थी कि एडमर्ड जो है वो बहुत गरीब है और पैसा वैसा है नहीं, तो मैं इससे शादी क्यों करूं, ऐसा मैरी का सोचना था। और मैरी सोचती है कि इतना अच्छा मैं टॉम से ना शादी कर लूँ। जो हेनरी रहता है वो फैनी को फ्लर्ट करने लगता है, तभी फैनी का भाई विलियम आ जाता है। और जो विलियम आता है वो फैनी का भाई है और वो एक नेवी ऑफिसर है, वो कभी कभी घूमने आ जाता है फैनी के पास। और हेनरी ने फैनी को बहुत ट्राई किया कि ये मान जाए पर फैनी नहीं मानी। बाकायदा हेनरी फैनी को सच्ची में प्यार करने लगा था और हेनरी निराश होकर वापस लंदन चला गया। और जो अब हेनरी था वो लंदन चला गया था, तो उसके कुछ जान पहचान के दोस्त थे, तो उनसे उन्होंने बात करके विलियम का प्रमोशन करवा दिया। ये सब जो हेनरी ने किया था वो सिर्फ फैनी के लिए किया था कि अगर फैनी ये सब देख के खुश हो जाती है और उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेगी। बट ये हुआ कि फैनी ने वापस से हेनरी का प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया था। और यहाँ पर सर थॉमस भी फैनी का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते थे और उन्होंने अपनी ही बेटी मान के, सर थॉमस ने फैनी को अपनी ही बेटी मान के उन बातों को डिसअप्रूव कर दिया था। और अब फैनी को यहाँ पर बहुत ही टाइम हो गया था मैंसफील्ड पार्क में रहते रहते, तो वो अब अपने पुराने घर जाना चाहती। वो अपने पुराने घर कभी भी नहीं गई थी, जहाँ पर उसके पेरेंट्स रहते थे, तो उस जगह का नाम था पोर्टसमाउथ। अब यहाँ पर जो फैनी है उसको लग्जीरियस लाइफ जीने की आदत सी पड़ गई थी, तो जब वो अपने घर गई थी तो वहाँ पर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बस वो इसलिए गई थी क्योंकि वो अपनी छोटी बहन से बहुत ही क्लोज हो गई थी, जिसका नाम था सूजन। जब हेनरी को पता लगा कि फैनी पोर्टसमाउथ में है, तो वो पीछा करते करते वहाँ तक के पहुँच गया फैनी के पास। तभी उसने फिर से इतना रिक्वेस्ट किया फैनी से, तो फैनी भी थोड़ा थोड़ा हेनरी की तरफ अट्रैक्ट होने लगी। और दोस्तों अब ये जो मैरी है वो फैनी से दोस्ती करना चाह रही थी शुरुआती में, तो अब यहाँ पर ये हो रहा है कि जो मैरी है वो फैनी को इनकरेज कर रही है कि वो मेरे भाई से शादी कर ले, मतलब हेनरी से शादी कर ले वो। और इस बात को इतना टाइम नहीं गुजरा था, उसको फैनी को खबर आती है कि टॉम मरने वाला है, तो वो तुरंत पैकिंग करना स्टार्ट कर देती है मैनफील्ड पार्क जाने के लिए। फिर फैनी ने एक और अफवाह सुनी कि जो हेनरी है वो मारिया के साथ भाग गया है लंदन, और जो जूलिया रहती है वो टॉम के एक दोस्त के साथ भाग जाती है, जिसका नाम रहता है मिस्टर ईट्स। अब ये आगे जो मारिया जूलिया रहती हैं, मारिया तो हेनरी के साथ भाग जाती है, और जो जूलिया रहती है वो टॉम के एक दोस्त मिस्टर ईट्स के साथ भाग जाती है, मतलब जो दोनों बहनें हैं बहुत ही बेकार निकली घर की। और फिर जो फैनी रहती है वो अपनी छोटी बहन सूजन को लेके फिर से वो मैंसफील्ड आ गई। एडमिट को ये सुन के धक्का लगता है कि उसकी बहन मारिया हेनरी के साथ भाग गई है। तभी जो एडमिट रहता है वो मैरी से जाके पूछता है, क्या तुम्हें ये सब बातें पता थी? उसे जब पूछता है तो मैरी कहती है, हाँ मुझे सब बातें पता थी, और वो इन दोनों का सपोर्ट भी करती है। तभी एडमिट को बहुत ही नफरत हो जाती है मैरी से, और वो कभी बात नहीं करता और सारे रिलेशंस ख़त्म कर देता है।
यहाँ पर जो मारिया है वो शादीशुदा थी और वो हेनरी के साथ भाग गई थी, तो उसके घर वालों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था। यहाँ के उसकी जो छोटी बहन जूलिया थी वो मिस्टर ईट्स के साथ भागी थी, जो कि टॉम का दोस्त था, क्योंकि क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थी, इसलिए उसको घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया था। और एंड में मारिया को किसी ने नहीं अपनाया सिवाय उसकी मौसी, सेकेंड मौसी ने, जिनका नाम था मिसेस नॉरिस, क्योंकि शुरुआती में उन्होंने ही मारिया को बिगाड़ा था और लास्ट में उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया। जो डॉक्टर ग्रांट और मिसेस ग्रांट थे वो लंदन जा रहे थे, तभी मैरी भी उनके साथ चली गई। और इस कहानी में कुछ लोग खुश थे और कुछ लोग नहीं खुश थे। बस एडमंड को बाद में समझ में आ गया था कि उसका असली प्यार फैनी ही है, और एडमंड ने शादी कर ली फैनी से और एक अच्छी लाइफ जीने लगे। यहीं पर एंड होता है हम लोग की नॉवेल का।